नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद पुलिस ने घंटाघर नगर कोतवाली क्षेत्र में गुम हुए मोबाइल फोन सर्विस लेंथ के माध्यम से बरामद किए। वहीं फोन मालिकों को थाने बुलाकर लौटाए तमाम मोबाइल। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को कई लोगों को कोतवाली से कॉल गई तो लोग चौंक पड़े। जिन जिन को कॉल गई थी वो एक एक करके कोतवाली पहुंचे। वहीं खुद SHO सत्येंद्र प्रकाश ने करीब आधा दर्जन लोगों को उनका मोबाइल फोन सौंपा। महीने पहले खोए अपने फोनों को वापस पाकर लोग खुशी से झूम उठे। ये हमारी लोनी बॉर्डर पुलिस टीम जो रूटीन चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान कल लगभग 4 बजे के करीब सायंकाल 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए। उनके पास से 39 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये दोनों भभौरा बरेली जिला के रहने वाले हैं और ये प्रतापगढ़ वगैरह से हर जगह से ये पोस्ता लेकर दिल्ली और NCR क्षेत्र के आसपास सप्लाई करते हैं। इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है कि पहले भी अभी कभी ये जेल गए हैं कि नहीं, और इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। सर, इसकी वो कितने कीमत, लगभग कीमत कितनी है सर? ये 40 किलो के करीब जो डोडा पोस्ता है इसकी कीमत मार्केट प्राइस लगभग 2 लाख के करीब है और बहुत अच्छा गुडवर्क किया है लोनी बॉर्डर पुलिस ने और भविष्य में भी हमारी इस तरीके की चेकिंग बड़े अधिकारियों के निर्देशन में चलती है।